गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुशांत रॉय और आज शुरू करते हैं डेली न्यूज एंड एनालिसिस में द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे एंड देयर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर यू इन दिस सेशन. सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, अभी कुछ लोग के आने का इंतजार कर सकते हैं हम लोग वैसे. सो इन द मीनवाइल आई विल गिव यू अ स्नैपशॉट कि आज हम कवर क्या करने जा रहे हैं. सो डेली न्यूज एंड एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस है द हिंदू का प्लस इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज 9 AM लाइव शशांक शेखर रॉय. सो आज का जो सेशन है वो मैं दिखा देता हूँ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीसेंट जो नाउ ट्रंप ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन के लिए ऑफर किया है कि जो चाइना और इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उस पर मैं मीडिएशन कर सकता हूँ. वेयर एज It was not expected from either from China or from India. India और China में से किसी ने इस तरीके के intervention के लिए न बात की थी और न कोई इस तरीके के mediation की उम्मीद करता है. India ने हमेशा से third party mediation को नकारा, सिरे से खारिज किया है. Now दूसरी बात से जो सबसे बड़ा खतरा editorial section में आ रहा है वो है the swarm. Locusts के बारे में बात करेंगे. Locust swarm जो है जो कि हमारे इंडिया को पाकिस्तान की साइड से बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले. सो वी विल टॉक अबाउट लोकस्ट स्वॉर्म. उसके बाद से हम चलेंगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा दैट विल बी रिलेटेड टू माइग्रेंट्स. बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है और बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस पुट किए हैं इस एक्टिविस्ट ने, इस सोशल वर्कर ने. उसके अलावा एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से रिलेटेड है. इन्वेसिव मसल इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरलास बैक वाटर्स, जो कि बहुत बड़ा खतरा है. इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में हम पढ़ेंगे और आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन वी विल मूव ऑन द डार्क वेब के बारे में बात करेंगे. किस तरीके से हमारा डेटा जो है, जो कि आपके राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, डेटा जो है बहुत से डेटा ब्रीच हुए हैं, ट्रू कॉलर डेटा जो कि डार्क वेब पे नाउ अवेलेबल है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन लोन टू MSME में गेट रिस्क फ्री टैग. कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत से लोन दिए हैं जो रिस्क फ्री है. इन द सेंस इफ द कंपनी विल कोलैप्स, गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू बैक अप दैट मनी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कॉम्पनसेट द इन्वेस्टर्स. अगर मान लीजिए कोई कंपनी बैंक्रप्ट अपने आप को घोषित कर देती है, जो इन्वेस्ट करने वाले जो भी कस्टमर्स उनका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा. बट ये टैग को हटाने की बात चल रही है क्योंकि इसके कुछ पर्पज हैं, कुछ रीजन हैं. आगे चल के देखते हैं हम मिसअंडरस्टूड रिवोल्यूशनरी, हम वीर सावरकर के बारे में बात करेंगे. और मैंने जैसा कि बोला है कि हम हमेशा इस न्यूज एनालिसिस में सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो कि आपके UPSC जनरल स्टडीज का हिस्सा है. मतलब सिर्फ उन्हीं चीजों को नहीं, बट मेजॉरली हम उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके करेंट अफेयर्स के अलावा आपके GS पेपर के स्टैटिक पोर्शन से बिलोंग करता है. सो मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिवोल्यूशनरी हम यहाँ पे बात करेंगे वीर सावरकर जी की और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सो We'll talk about it. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. We'll take few more time. हमारे पास और लोग जुड़ चुके हैं. Just let me say thanks to all of them. नीरज शर्मा, good morning. नीरज S शर्मा, very good morning. नीलम कमलवंशी, good morning. हाजरा बानो, PDF का लिंक सेंड कर दो. नीरज शर्मा, we cannot send the PDF link as of now. अभी क्लास चलने दीजिए. Please wait for some time. हाजरा बानो, good morning. And नीरज शर्मा, PDF का लिंक भी सेंड कर दो. नीरज शर्मा, एज आई सेड, PDF का लिंक अभी शेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज ये PPT फॉर्मेट में है. आप क्लास खत्म होने का वेट कीजिए. प्लीज वेट फॉर सम टाइम. योर पेशेंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. ओके, एंड पूनम सोरेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम पहला टॉपिक लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम योर एजुकेटर हियर एंड आई कवर्ड अन अकेडमी पे. मैं बहुत से लेसन कवर किए हैं. ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कवरेज है. आपको और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारे फुल एपिक बैचेस लॉन्च होने वाले हैं फ्रॉम 1st of June. सो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर 2020-21 के लिए, आई विल सजेस्ट कि आप 1st June वाले बैच को ज्वाइन करें. क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, अगर आपके पास कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है अपने UPSC प्रिपरेशन का, देन आई एम श्योर गाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम. एंड आज कोरोना लॉकडाउन के टाइम में देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन अनअकैडमी. सो प्लीज गो अहेड, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यूज माय यूजर रेफरल कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज. उसके अलावा
ये हमारे मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 है, बाइलिंगुअल है, इसमें हमारे प्रतीक नायक सर है, बहुत से टॉप वेंकटेश चतुर्वेदी हैं, एंड दिस सर इज फ्रॉम अवधेश सिंह सर जो हमारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। 1 जून से लॉन्च हो रहा है, फुल सिलेबस कवरेज है, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज है, इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन मींस वन कंप्लीट पैकेज। देन दूसरा कोर्स है आपका कंप्लीट इंग्लिश में है, एक्सपीडिशन बैच है, द सेम फैसिलिटीज आर देयर। उसके अलावा लक्ष्य हिंदी का पूरा बैच है, ये भी लॉन्च हो रहा है 1 जून से। इमर्ज यूपीएससी 2021 ये भी 1 जून से लॉन्च हो रहा है, और आपन अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई यूजिंग माई यूजर रेफरल कोड शशांक के साथ टू गेट अ 10% एक्स्ट्रा ऑफ। बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर टू, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 43,200 एक साल के लिए जो पे करते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 48,000 जो कि पूरे 2 ईयर्स का कोर्स आपको मुहैया कराएगा। उस पर आप 10% का जब यूज करेंगे यूजर रेफरल कोड, तो आपको 2 ईयर्स में भी दिस 48,000 विल कम समवेयर अराउंड 43,000 समथिंग। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 2 ईयर्स बिकॉज इट इज अ वैल्यू फॉर मनी। ओके, आगे चलते हैं, फिर से आप ये याद रखिएगा शशांक के साथ, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है बेफिक्र होके मेरे टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट कीजिए। उसके अलावा हमारे यहाँ 7 जून और 21 जून को फिर से प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाले हैं, आप प्लीज इसको ज्वाइन कीजिएगा। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ना ले, बट ये फ्री मॉक टेस्ट है, आई विल सजेस्ट यू अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप कौन सी जगह पे खड़े हैं और आपको कितनी दूरी तक मंजिल तय करना है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एनरोल नाउ फॉर फ्री। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे ग्रुप में नीलम कमलवंशी और अमित सिंह जो लोग भी अपीयर हुए हैं पिछली बार एग्जाम के लिए, वो सारे लोगों से आप मदद ले सकते हैं। नाउ पेज 1, नाउ ट्रंप ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बीजिंग से सिचुएशन इज स्टेबल एंड बोथ साइड विल रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ बायलैटरली। यहाँ पे हमसे एक चीज है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, ये कहावत आपने सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी बात के भी सजेशन जरूर देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वॉज इन नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ही इज रेडी टू, आई मीन ही सेड दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज माई गुड फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझसे बोला है कि आप भारत पाकिस्तान मामले में मीडिएट करें, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन सारी बातों का खंडन किया। दिस टाइम अगेन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो रेडी हैं इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएट करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, जो डिस्प्यूट हमारे यहाँ पेगोंग सो लेक और अलग अलग लोकेशंस पे चल रहा है नॉर्थ इंडियन टेरिटरी में। आप अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, पेगोंग सो लेक और लद्दाख की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले में मीडिएट करना चाहते हैं। बट सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीदर इंडिया नॉर चाइना आस्क्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आगे चलते हैं, ये आपका नजारा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल में कंफ्यूज मत होइएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपका चाइना से रिलेटेड है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। US President Donald Trump on Wednesday said that he had offered to help New Delhi and Beijing to resolve their tensions at line of actual control. Donald Trump ने ये बोला है कि उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी मदद की मदद भेजी है, ठीक है, आई मीन ही ऑफर्ड हिज मीडिएशन, उन्होंने अपनी मदद के लिए राजी हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडिया चाइना के बीच में जो भी राइवलरी चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। और ये चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंग लगी चाइना के लिए और इंडिया के लिए, और चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी कल ही बोला हुआ है कि यहाँ पे सिचुएशन जो इंडिया और चाइना के बीच में है, दैट इज स्टेबल एंड कंट्रोलेबल नाउ, वो सिचुएशन स्टेबल है, कंट्रोल्ड है। और उन्होंने डायरेक्टली तो इस बात का खंडन नहीं किया कि हम आपका मीडिएशन चाहते हैं या नहीं, बट अगेन ये सोचने वाली बात है, पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने $250 बिलियन का जो है टैरिफ इंपोज किया चाइना के ऊपर, चाइना की कंपनी हुआवे के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया। उसके अलावा चाइना पे ब्लेम किया दैट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द वर्ल्ड। इन सारी चीजों के बावजूद आप समझ सकते हैं कि US और चाइना के बीच में कितनी राइवलरी चल रही है इस सिचुएशन में। अगर US मीडिएशन करने की बात करें तो बड़ा एक मजाकिया सा लगता है दैट
you yourself is unable to control your home affairs, you are unable to control your relationship with China, and you are talking about mediation to resolve a dispute between India and China. Now, we have informed both India and China that the United States is ready, willing, and able to mediate or arbitrate their now raging border dispute, Mr. Trump tweeted. Mr. Trump ne bola, hum bilkul tayar hain. Aapko bas batane ki deri hai, janab. Hum aapke China aur India ke beech mein jo bhi mudde chal rahe hain, un sab ka niptara karne ke liye tayar hain. Aage chalte hain. India and Chinese too have faced off at least 4 points along LSE. जो चार पॉइंट्स हैं जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पे इंडिया और चाइना में राइवलरी चल रही है. फर्स्ट इज पेगोंग सो लेक, ये मैंने कवर किया हुआ है. डेमचॉक, ये मैंने कवर नहीं किया है. गालवान वैली इन लद्दाख, ये भी कवर नहीं किया है. नाकुला इन सिक्किम, ये भी कवर नहीं किया है, बट हमने सिक्किम में डोकलाम प्लेटू कवर किया है. सो वीकली न्यूज एनालिसिस में वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो पिछले चार दिनों में कवर नहीं किए गए थे. सो पेगोंग सो लेक लद्दाख में है, डेमचॉक गलवान वैली और नाकुला सिक्किम में है, इसको कवर किया जाएगा. इन सारे एरियाज को आप मैप में देखेंगे, ये आपका होमवर्क है. इन चारों एरियाज में अगर आप देखेंगे, पीएलए सोल्जर्स, यू नो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के सोल्जर्स ने यहाँ पे बहुत से एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया है बाय इंडियन ट्रूप पिचिंग टेंट्स एंड बिल्डिंग ट्रेंचेस. और इस तरीके से यहाँ पे स्टैंड ऑफ है, इस एरिया को चाइनीज सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है और इंडियन सोल्जर्स के काम में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं. मिस्टर ट्रंप डिड नॉट इलैबोरेट ऑन हिज ऑफर व्हिच केम एज अ सरप्राइज फॉर सेवरल रीजंस. यूएस हैज ऑफर्ड टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मल्टीपल ओकेजन इन द पास्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम एन अमेरिकन ऑफिशियल हैज ऑफर्ड टू बी द थर्ड पार्टी बिटवीन इंडिया एंड चाइना पब्लिकली. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज ऑफर्ड, यूएस ने पहले भी मीडिएशन ऑफर किया है इंडिया को बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम में, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इंडिया ने इस तरीके के किसी भी मीडिएशन को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने ये बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी इश्यूज हैं उनका निपटारा, उनका जो उनका निपटारा जो है वो आपसी सुलह और सहमति से होगा. वी डू नॉट वॉन्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन इन आर इंटरनल मैटर. जम्मू कश्मीर का मैटर जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है और हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत नहीं है. तो ऐसा पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, बट ये पहली बार है जब यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया चाइना के डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए मध्यस्थता की बात कही है. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मल है? चाइना इज अ थ्रेट वेल्स. हिज कमेंट्स ऑल्सो अपीयर एट अ वेरियंस विद द स्टैंड टेकन बाय सीनियर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एलिस वेल्स, who squarely blamed China for the border tension and called it a threat to all its neighbors. यहाँ पे US senior US department के official है Alice Wells, जो पिछले कई दिनों से इस बात को कहती आ रही है कि China threat है सिर्फ India के लिए नहीं but आसपास के अपनी country के लिए, और Asia Pacific में China की इस तरह की बढ़ती activities को देखते हुए ये पूरा का पूरा South China Sea जो है वो unstable region में आ गया है. But Trump के इस statement की बात से ऐसा लगता है that he has a completely different opinion in comparison of Wells. Moreover, Mr. Trump's offer comes at a time when the US and China themselves have tension between them on several fronts. In addition to an easy trade situation, the US has accused China of not being transparent with information related to COVID-19 pandemic. पिछले कुछ महीनों में हमने चाइना और यूएस के बीच में जो रिलेशंस खराब हुए हैं उनको बद से बदतर होते हुए देखा है. $250 billion का टैरिफ इम्पोज किया गया था चाइना के ऊपर, और चाइना की कंपनी है हुआई जो कि अपने 5G ट्रायल्स को लॉन्च करने की कोशिश में थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कम्प्लीटली बैन कर दिया. उसके अलावा यूएस ने लगातार इस बात को ब्लेम किया है चाइना को, दैट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोरोना वायरस एपिडेमिक, क्योंकि चाइना ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया वर्ल्ड को, और उसके बाद से जब सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो गई ओनली देन द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट इट. सो हर तरह से ब्लेम किया है चाइना को. जस्ट रिसेंटली यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन सेड that the US could impose sanction on both Beijing and Hong Kong if China were to go ahead and impose a national security law on Hong Kong. So यहाँ पे एक तीसरा एंगल भी है कि चाइना ने अभी सैंक्शन इम्पोज करने की धमकी दी है चाइना और हांगकॉन्ग के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले आपने देखा कि हांगकॉन्ग में किस तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहे हैं. हांगकॉन्ग में इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज टेरिटरी, बट हांगकॉन्गर्स लव लिबर्टी एंड फ्रीडम. So, ये क्लासिक केस है वन नेशन टू स्टेट्स का. चाइना के अंडर में हांगकॉन्ग आता है, बट चाइना हांगकॉन्ग को एक स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं
जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर का प्रोविजन हुआ करता था आर्टिकल 370, उसी तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो हांगकांग को दिए गए हैं। लेकिन अब चाइना इस हांगकांग के इस स्पेशल प्रोविजन को धीरे धीरे कर्व करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत भारी संख्या में सारे हांगकांगर्स रोड पे उतर आए थे और चाइना को अपना लेजिस्लेशन वापस लेना पड़ा था। सो इन सारी बातों को कहने का मतलब यह है, हाउ कैन यू ऑफर अ मीडिएशन जब आपकी अपनी कंट्री से उसके दूसरी कंट्री के रिलेशंस अच्छे नहीं है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बस अपने आप को एक मजाक बना दिया है इस न्यूज इस ट्वीट के बाद। दैट्स इट, बहुत इसमें कुछ ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडिटोरियल सेक्शन, द स्वॉर्म लोकस्ट के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने जा रहा है, जनरली हम हमारा जो ओरिएंटेशन है, हम लोकस्ट के बारे में जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ सकता है क्या? इस लोकस्ट वार्मिंग, लोकस्ट अटैक के पीछे ग्लोबल वार्मिंग से कुछ लेना देना है क्या? एनवायरमेंट जो है इस तरीके के एपिडेमिक को बढ़ाने में क्या उसका हाथ हो सकता है, या फिर किस तरीके से डिजास्टर का एक नया रूप देखने को मिलेगा जब टिड्डियों का दल आपके शहर में घुस के जो भी फसल है, जो भी ग्रीनरी है, उसको कच्चा चबा जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे हजारों लाखों टन जो है वो खेती बर्बाद हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी का खतरा मंडराने लगेगा। सो लोकस्ट अटैक जो है इसको हमें दूसरे एंगल से देखने की जरूरत है इसी आर्टिकल में। वो दूसरे एंगल से देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम कभी भी इसको ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएट करके नहीं देखते, बट दिस टाइम ये आर्टिकल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से इसको एसोसिएट करके दिखा रहा है। दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। आगे चल के देखते हैं। जस्ट लास्ट वीक इंडिया वाज बैटर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन डेकेड नाउ। हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस। अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशंस वेस्ट। बर्गियोनिंग लोकस्ट स्वॉर्म इन राजस्थान, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश थ्रेटन्स टू एम्प्लीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर। एक कहावत है ना, सर मुराते ओले पड़े, या फिर एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। क्या हमारे पास ऑलरेडी मुसीबतें कम थी? हमारे पास साइक्लोन आम्फन ने कोलकाता, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को पूरी तरीके से 10 साल पीछे ढकेल दिया है। अभी तक इकोनॉमिक लॉसेस को असेस नहीं किया गया है, बट सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बट थैंक्स टू कोरोना वायरस पैंडेमिक जिसके चलते लोग घरों में बंद थे, जिसके चलते जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ है। उसके अलावा अभी आम्फन, साइक्लोन आम्फन का कहर अभी हटा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ है। हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है कोरोना वायरस का। हर दिन कम से कम 2-4-500 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से। अब ये मुसीबत अभी कंट्रोल होने के नाम नहीं ले रही। और उसके अलावा हमारे पास एक तीसरा डिजास्टर फ्रंट खुल रहा है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से। वो कहाँ से? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से, जहाँ टिड्डियों के दल ने बहुत हालात खराब कर दिए हैं। और अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक अलग तरीके का डिजास्टर का रूप ले लेंगे। सो लोकस्ट स्वॉर्म को, टिड्डियों के झुंड को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको डिजास्टर की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। डेजर्ट लोकस्ट स्पीशीज इज द पेन ऑफ एग्रीकल्चर। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक ऑफ द मराडिंग इंसेक्ट इज अमंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्ज फ्रॉम 1964 टू 1997 एंड आफ्टर 2010 देयर वाज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्टेड। डेजर्ट लोकस जो है वो हमारे एग्रीकल्चरल कंट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए एक अभिशाप की तरह है। वो अभिशाप क्यों है? क्योंकि जहां से ये निकलेंगे वहां पे पूरे के पूरे अनाज को, फसलों को खा डालेंगे ये, क्योंकि ये बहुत, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहतूत के पत्ते हैं या फिर आम के पेड़ के पत्तों को ही खाते हैं, ये जिस पे बैठ जाएंगे उसको खा ले, आई मीन दे आर पॉलीफेगस, बहुत ढेर सारे अलग अलग तरह के हरे पत्तों को ये खाते हैं, एग्रीकल्चर को खाते हैं। सो ये एग्रीकल्चर के लिए अभिशाप है। इंडिया में जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ये लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो जोधपुर में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में 1964 से 1997 के बीच में लगभग 13 बार लोकस्ट के टिड्डों का अटैक हुआ है एंड 2010 के बाद कोई बहुत बड़ा लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन इस बार बहुत बड़ी खतरे की आशंका है लगभग 10 साल बाद। Once a significant outbreak starts, it lasts for about 2 years and there is a quietus for about 8 years. LW officials say that the swarming buildup is potentially the worst in decades. यहाँ पे आपने देखा कि 2010 के बाद से बहुत कुछ इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं देखी गई है, लेकिन एक बार, इस बार जो रिपोर्ट दे रहा है लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन,
वो ये बताने की मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो टिड्डियों का दल है, जो उनका ब्रीडिंग है, वो बहुत मैसिव स्केल पे है, जो बहुत बड़े खतरे की सूचना दे रहा है। एक बार इनका अगर आउटब्रेक फैला तो कम से कम ये 2 साल तक चलेगा और उसके बाद से ये अगले 8 सालों के लिए चुप बैठ जाएगा। सो इस बार का जो रिपोर्ट है लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़े खतरे की सूचना दे रहा है। आगे, इट इज अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल दैट एन आर्कीन पीस ऑफ लेजिस्लेशन ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीज एंड नॉक्शियस वीड्स एक्ट 1949 हैज अ प्रोविजन वेयर बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन कॉल अपॉन एनी मेल पर्सन नॉट बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स रेजिडेंट इन डिस्ट्रिक्ट टू रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एंड देयर इज पोटेंशियल इंप्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ। अब आप इस चीज को सोचेंगे कि इस लॉ का मतलब क्या है। ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीज एंड नॉक्शियस वीड्स एक्ट 1949 में पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग अगर इस तरीके का कोई घटना होता है, इस तरीके का अगर लोकस्ट स्वॉर्म होता है, टिड्डियों का अटैक होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि वो 14 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि आप शासन प्रशासन के साथ हाथ बटाएं, और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको जेल की सजा हो सकती है। अब इस बात को सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये लेजिस्लेशन है और लोगों को ये प्रोविजन क्यों किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। आपके सामने एक हाथी आ जाए तो हाथी आपको दिखता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जहां से बिलियंस ऑफ ग्रास हॉपर्स, बिलियंस ऑफ यू नो लोकस्ट अगर आपके शहर पे अटैक कर दें, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? पुलिस प्रशासन अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर हम सिविलियंस का मदद ले सकें, और ये प्रोविजन डाला गया कि 14 साल के ऊपर के होने चाहिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपको बुलाया है, आपकी मदद मांगी है, तो आपको शामिल होना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी मान लिया जाएगा, और अगर आपने इसका पालन नहीं किया देन यू मे बी पुट बिहाइंड द बार्स, आप जेल की सलाखों के बीच में पीछे जा सकते हैं। ठीक है, आप जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं और पता नहीं आपको रोटी वहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे चल के देखते हैं। Antiquated as it may sound, it is a reminder that humanity's oldest blights, plague, pestilence will never truly be eliminated. Breeding locusts which threaten farming as an indirect fallout of warming Indian Ocean, as some meteorologists suggest. Last year, there were fears that monsoon may fall short because of El Nino or warming the equatorial Pacific. However, there was an extreme flip. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्या इंडियन ओशन की वार्मिंग से कोई रिलेशन है इस पेस्ट कंट्रोल का? ये आर्टिकल ये बताता है कि ह्यूमैनिटीज के जो बहुत पुराने, जब से इंसान ह्यूमैनिटीज चल रही है, जब से मानव जीवन विकसित हुआ है इस ब्रह्मांड पे, तब से प्लेग, कीड़ों का हमला, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, इनको अभी तक एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ब्रीडिंग लोकस्ट जो अभी जो लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो लोकस्ट है, जो टिड्डों का दल ब्रीड कर रहा है, क्या उसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन है इंडियन ओशन में वार्मिंग को लेके? क्या ह्यूमिडिटी इनके इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है? ये सारी चीजें, बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इंडियन ओशन में वाटर का जो टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका उसका बहुत बड़ा हाथ है इनके ब्रीडिंग पॉपुलेशन के पीछे। लास्ट ईयर इस बात का डर था कि मानसून शायद कम हो, मानसून इस बार अच्छी तरीके से इंडिया में ना आए, क्योंकि एल नीनो का खतरा था और इक्वेटोरियल पैसिफिक में जो समुद्र का जल है उसके उसके गर्म होने की, उसके टेम्परेचर बढ़ने की आशंका थी। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल पलट गया, एल नीनो नहीं आया। बाय जुलाई इट वाज एविडेंट दैट पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन वाज इन द वर्क्स। जुलाई तक ये बात क्लियर हो गया कि इंडियन ओशन डायपोल और एक हाईली टेम्परेचर जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। वेस्टर्न इंडियन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ? आपका अरेबियन सी वाला जो है, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने का क्या है? यहाँ मॉइस्चर होगा, इवेपोरेशन होगा, पानी का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून में ठंडी हवा आएंगी, तो इन सारे मॉइस्चर को लेके वो वेस्टर्न घाट्स में झमाझम बारिश करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए इंडियन ओशन डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ओशन डायपोल का सीधा सा मतलब ये है कि ये ओशन का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर जाता, इसको इंडियन ओशन डायपोल के फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। सो बहुत से लोगों का मानना है कि इंडियन ओशन लास्ट ईयर एल नीनो का खतरा था, और इस बात की मंशा आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है इस बार मानसून कम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल्स के चलते एक हायर टेम्परेचर वेस्टर्न इंडियन ओशन में
पाया गया, जिसके चलते रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इंडिया में हुआ, देन अ कॉज फॉर अ चीयर एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका। और इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून ने झमाझम बारिश की, जैसे अरेबियन सी का अगर पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ वाटर इवेपोरेट करेगा, जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो ज्यादा भाप बनेगा और उसके बाद से मॉइस्चराइजर मॉइस्चर का डेवलपमेंट होगा और यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जब आएगा इन सारे मॉइस्चर को उड़ा के लेके जाएगा वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ झमाझम बारिश होगी। तो इसी तरीके से इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव, इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव अगर कोल्ड हो जाता देन देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो इंडियन ओशन डायपोल एंड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ने झमाझम बारिश की, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इंडिया में हुआ और उसके साथ ही अफ्रीका में भी हुआ। बट मोस्ट अफ्रीकन डेजर्ट प्रेसिपिटेटेड लोकस्ट ब्रीडिंग एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन इस बारिश के पीछे एक दुखद कहानी थी, इस बारिश ने एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार किया लोकस्ट के ब्रीडिंग का, और एक बार जब इनकी ब्रीडिंग हो गई अफ्रीका में तो इंडिया की तरफ आने वाली रेन बियरिंग विंड्स ने इनको ये उड़ा के, अलादीन का कारपेट आपने देखा होगा कैसे अलादीन बैठ जाता है, उसी तरीके से उस हवा के साथ साथ ये टिड्डे इंडिया की तरफ पहुंचे। ऑन द अदर हैंड कोरोना वायरस क्वारंटाइन मेंट दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स वर हाल्टेड, वेयर इट्स सम कंफर्ट दैट देयर इज नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप इन इंडिया, फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन्स इन राजस्थान एंड पैराडॉक्सिकली कंड्यूसिव कंडीशन फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग ड्यूरिंग द सोविंग सीजन। अब यहाँ पे एक चीज सबसे अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, सारी चीजों को देखेंगे। कोरोना वायरस क्वारंटाइन के टाइम में इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने स्प्रेइंग पेस्टिसाइड का जो स्प्रे था उसको हॉल्ट कर दिया गया था, जो कि इन लोकस्ट के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ और ऑलरेडी उनके ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो अफ्रीका में बन चुके थे। उसके तरीके से एक चीज और भी है कि ये फोरकास्ट जो वर्ल्ड लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो आशंका बता रही है कि इस बार राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश होने के चांसेस हैं। तो बारिश तो खुशी का मौसम है, बारिश के चलते हमें खुश होने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम यह है कि अगर बारिश इंडिया इस बार बहुत अच्छा होता है तो इन लोकस्ट के लिए, इन टिड्डों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, जम के ये बच्चे पैदा करेंगे और जम के तबाही आने वाली है। एंड एट द सेम टाइम ये वो टाइम होगा जब इंडिया में मानसून सीजन होगा और सोविंग सीजन होगा, इसमें रोपाई और बुआई का काम चल रहा होगा। A less highlighted aspect of global warming, is that it may link disparate disaster floods, pandemics and pestilence, amplifying the potency of each. ग्लोबल वार्मिंग जो है हर तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने कोरोना वायरस का देखा है, कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन ये बताया जा रहा है कि जून के महीने में इनका ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ह्यूमिडिटी, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट मेड यूनाइटेड किंगडम द वर्ल्ड कॉन्करर, मैंने आपसे ये पूछा था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो विश्व में चैंपियन कैसे बना, क्या रीजन थे उसके। उसका एक रीजन ये भी था कि यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रॉपिक जो लोकेशन था दैट इज अ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में आपके बीमारियों का खतरा कम होता है, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज में जब आप आएंगे तो बीमारियों के लिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट जो है बहुत से मॉस्किटो रिलेटेड मॉस्किटो बोर्न डिजीज के लिए एक ह्यूमिड एक यू नो बहुत अच्छा ग्राउंड पैदा करता है। सो एक मिनट रुके, ओके। सो जून है वो बहुत ह्यूमिडिटी लेके आएगा, बहुत गर्मी है और इस तरीके से कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा बहुत बढ़ जा रहा है। एट द सेम टाइम इस बार मानसून अगर बहुत अच्छे से आता है सो इट विल सपोर्ट द ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज लोकस्ट। सो अब आप ग्लोबल वार्मिंग को और ज्योग्राफी को और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को क्या अलग अलग करके देख सकते हैं, और अगर आप इन तीनों चीजों को अलग अलग करके पढ़ते हैं तो आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है, क्योंकि अगर इस तरीके से इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। शिवानी पवार आपको अभी कम्युनिकेशन चैनल भेज दिया जाएगा, नीलम कमलवंशी विल टेक केयर ऑफ दैट। सो गाइस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आप ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इन सारी चीजों को, यहाँ तक कि फूड सिक्योरिटी को ले लीजिए, लाइवलीहुड को ले लीजिए, अब आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। Improve science and technology is only making it cleaner that man's folly transcends border. This makes it necessary abandon any territorial blame game and focus on policies that will ensure an equitable, sustainable future.
आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन कौन सा गोल ऐड कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। लोकस्ट वार्मिंग को लेके, लोकस्ट स्वार्म को लेके, टिड्डों के अटैक को लेके, ग्रास हॉपर के अटैक को लेके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा गोल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा गोल जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, व्हिच गोल नंबर विल बी एडेड इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि वैसे तो हम हर जगह पे बटे हुए हैं, हर मुद्दों पे बटे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, बट इस कोरोना एपिडेमिक ने इस लोकस्ट वार्मिंग ने एक वो सिचुएशन पैदा किया है जब हमें टेरिटरीज के बारे में के लिए लड़ने के बजाय एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक या लोकस्ट स्वार्म किसी से ये पूछने नहीं जा रहा कि तुम्हारा सिटीजनशिप क्या है, तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड है, ब्लैक कार्ड है, येलो कार्ड है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। इन सारे पैंडेमिक ने हमें एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है। अब कंट्रीज अपनी टेरिटरीज के लड़ने के बजाय एकजुट होकर उनको इन सारे पैंडेमिक से लड़ने की जरूरत है, यही इसका मैसेज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, 14, 15 किरण सुतार 13 and 14 लाइफ ऑन लैंड चलेगा, लाइफ ऑन लैंड विल बी देयर। किरण सुतार थैंक यू सो मच। परमार पूजा ओके एक मिनट, पूजा परमार ने चैप्टर सेकंड को भी ऐड गोल नंबर 2 को भी ऐड किया है, गोल नंबर 1 and 2 को भी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इन टिड्डों ने सारे फसलों का विनाश कर दिया देन हाउ द कॉमन मैन विल सर्वाइव। सो नीलम कमरवंशी ने 1, 2, 3, 15 and 13 गाइस थैंक यू सो मच, 1, 2 को इसमें ऐड कीजिए, 1 and 2 को भी इसमें ऐड कीजिए। इस आर्टिकल में मैंने कोरोना वायरस का भी नाम लिया है, आपको उसके बाद से लोकस्ट स्वार्मिंग का भी नाम लिया है, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड का नाम लिया है। सो क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, राइट, सैनिटेशन, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, तो ये सारी चीजें जो है एक साथ ऐड होके आएंगी। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो कोरोना वायरस को कवर करेगा। सो आप में से आंसर 13, 15, 3, 1, 2, 3 नीलम कमलवंशी, उसके बाद से 6 ऑल्सो रोशनी खान, ओके रोशनी खान व्हाट इज दैट 6 और 6 क्यों लिया जाएगा। किशन सिंह अभी अभी आपको चैनल शेयर कर दिया जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए। मैंने शेयर कर दिया है इसमें, सो इस चीजों को अब आप देख रहे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इसमें कैसे ऐड करना है। आगे चल के देखते हैं राइजिंग टाइड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझाने जा रहा हूँ। पेज 8, इन्वेसिव मसल इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरला'स बैक वाटर्स, चारो मसल हैज इन मेनी प्लेसेस रिप्लेस्ड एशियन ग्रीन मसल। मसल का क्या मतलब होता है, ये क्या है व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये क्या है, ये आपने सीप देखा होगा, आपने घोंघा देखा होगा, इस सीप के अंदर एक छोटा सा एनिमल होता है, क्रीचर होता है, बोनलेस, ठीक है। तो रैपिड स्प्रेड ऑफ चारु मसल मेटालिका स्ट्रिगाटा में हैव बीन ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन ओकी। सो ये जो साइक्लोन ओकी आया था, ये कई बार क्या करते हैं, बहुत से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में लेके आते हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज खतरा इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तो अपने आसपास के बाकी जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनका सपोर्ट फंक्शन छीन लेते हैं और उनको वो उन धीरे धीरे उनका रिसोर्स कम हो जाता है, एंड दे ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ डिवास्टेशन ऑफ अदर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में, आपने केस देखा होगा, वो एक स्पीशीज देखा होगा लंटाना कमारा, राइट, सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ये भी एक पेड़ है, एक स्पीशीज है जिसको बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाया गया है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का मतलब ये है कि वो स्पीशीज प्लांट हो सकता है, ट्री हो सकता है, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, जो आपकी कंट्री में नहीं पाए जाते, ये दूसरी कंट्री से आते हैं
और इनवेसिव इनका नाम इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत एग्रेसिवली एक एरिया में ग्रो करते हैं और वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पे कब्जा जमा लेते हैं। इसके चलते होता क्या है कि वहाँ के जो लोकल, वहाँ का जो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज है उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ दूसरी तरीके से, मोलस्क यूनियन क्रिएचर्स, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप एक इलीगल माइग्रेशन को ले लीजिए। असम अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश जो हो रहा है उसके बारे में बहुत बवाल मचा था। अगर ये इलीगल माइग्रेशन इसी तरीके से कंटिन्यूड हो तो वहाँ के रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वहाँ के रिसोर्सेज पे ये फर्क पड़ेगा कि इलीगल माइग्रेंट्स अबंडेंट सप्लाई में होंगे, वहाँ के जॉब्स पे असर पड़ेगा, वहाँ के रिसोर्सेज पे असर पड़ेगा, वहाँ के लैंड्स पे असर पड़ेगा। तो इस तरीके से इलीगल माइग्रेशन जो है वो एक एथनिक वायलेंस का रूप ले सकता है। तो वो तो मैंने माइग्रेशन के संदर्भ में बताया। इसी तरीके से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को अगर रोका नहीं गया तो इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ये वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे और जो वहाँ का एंडेमिक प्लांट स्पीशीज है वो डिप्राइव हो जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस है, फॉर एग्जाम्पल जूलियोसिस प्रोस्पोरा, ये जो टॉपिक है जूलियोसिस प्रोस्पोरा, ये आपके यूपीएससी 2017-18 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकेलिप्टस, एब्सोल्युटली, कांग्रेस ड्रास, यूकेलिप्टस को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल टेररिस्ट का नाम दिया है। बहुत से लोग, ये पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है लेकिन ये पेड़ किसी काम का नहीं है। इस पे आप देखें, ये पेड़ बहुत सीधे होते हैं, इस पे पंछी अपना घोंसला नहीं बना सकते और ये बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं, तकरीबन 1000 लीटर पर डे। अगर दलदली एरिया में, अगर रामसार वेटलैंड्स के आसपास यूकेलिप्टस लगा दीजिए 2-4 हजार पेड़, तो पूरा वेटलैंड्स को ये खोखला कर देंगे। सो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं। आगे चल के देखते हैं क्या है। आर इन्वेसिव मसल नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट इज स्प्रेडिंग क्विकली इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला, एल्बोइंग आउट अदर मसल एंड क्लेम स्पीशीज एंड थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन एंगेज्ड इन मोलस्कन फिशरीज। ये जो मोलस्क आपको मैंने दिखाया है, ये आपके ईटेबल्स हैं, इनको फूड इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, लेकिन ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का जो मसल है ये इधर आ चुका है इंडिया में। द रैपिड स्प्रेड ऑफ चारू मसल मेटेला स्ट्रिगाटा मे हैव बीन ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन ओकी व्हिच स्ट्रक द रीजन इन 2017 अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ अक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज। 2017 के साइक्लोन ओकी को इसका कारण माना जाता है कि साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाए जाने वाले इस इन्वेसिव मसल को वो इंडिया लेके आया। और इसके चलते हो क्या रहा है, यहाँ के जो लोकल मोलस्क से रिलेटेड, मोलस्क का मतलब क्या होता है, वो जीव जंतु जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर में स्ट्रे करते हैं, जो वो जीव जंतु वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर रहते हैं उसको मोलस्क बोलते हैं, वो मोलस्काज में आते हैं, ठीक है। इनका फूड इंडस्ट्री में, जैसे होगा आपने सीप देखा होगा, वो वाला सीप जिसके अंदर से मोती निकलता है, मैंने मोती निकलते हुए तो नहीं देखा बट मैंने कहानी सुनी है कि बचपन में ये सीप जो है, जब बारिश होती है तो स्वाति नक्षत्र का पानी जो है, जब बारिश होता है तो ये सीप अपना मुंह खोल देते हैं और स्वाति नक्षत्र का पानी जब इसमें पड़ता है तो ये मोती बन जाते हैं। अब ये मोती कैसे बनते हैं, आई रियली डोंट नो, मैंने बचपन से कहानी सुनी है। तो ये सीप है, घोंघे हैं जो कैल्शियम के कोट के अंदर रहते हैं। तो ये जो मोलस्क है, ये जो स्पीशीज है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इनका बड़ा इमेज देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट। अब इनके चलते हुआ क्या है, वहाँ के जो लोकल मोलस्क स्पीशीज हैं जो फिश इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर खतरा आ गया है और फिश इंडस्ट्री, फिश पॉपुलेशन को, जो मछुआरों की कम्युनिटी है, वो बहुत बुरी तरीके से मार खा रही है। सर्वे शोज दैट प्रेजेंस ऑफ चारू मसल इन द कार्डिनाकुलम, पारावूर, इदावा नदारिया, अस्थाई मुडी, कन्याकुलम, वेम्बनाद और चट्टुवा एंड पुन्नानी एस्चुरीज बैक वाटर्स। अस्थाई मुडी लेक जो कि रामसार साइट भी है कोलम डिस्ट्रिक्ट में, रिमेन्स द वर्स्ट हिट। तो आप अस्थाई मुडी का नाम जो लिखेंगे वो रामसार साइट में भी आता है और ये एरिया भी, ये एरिया सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 11,384 पर स्क्वायर मीटर हियर, इट हैज रिप्लेस्ड द एशियन ग्रीन मसल एंड द एडिबल ऑयस्टर मैगलन्ना बिलिनियाटा। सो अस्थाई मुडी जो लेक है जो कि रामसार साइट्स में भी आता है, इस पे सबसे जबरदस्त हमला हुआ है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का। और ये सिर्फ मसल, चारों मसल्स ही नहीं, इसके अलावा एशियन ग्रीन मसल और एडिबल ऑयस्टर मैगलन्ना बिलिनियाटा, ये दूसरे एलियन स्पीसीज हैं जो कि ऑलरेडी अस्थाई मुडी लेक में पहुंच चुके हैं।
आप इस बात को सोच के देखिए कि अगर एक बार ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज किसी बड़े से लेक में पहुंच जाए, आप इनको खोज के कैसे निकालेंगे? या तो पूरे पॉपुलेशन को एक बार वाइप आउट कीजिए और फिर से रीप्लांट कीजिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अस्थाई मुडी लेक ये बैक वाटर्स ऑफ केरला है, हमारे घर का जो है वो तालाब नहीं है। एक्सटर्नली चारों मसल रिजेंबल्स द ग्रीन एंड ब्राउन मसल, बट इन मच स्मॉलर इन साइज, इट्स कलर वेरीज फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन, पर्पल और डार्क ग्रीन, ये साइज में बहुत छोटा होता है, बट इट्स अ फास्ट ब्रीडिंग पेस्ट। तो एक तरीके से अब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वो दो आर्टिकल बताने की बात करूंगा। लोकस्ट के लिए आपने लाइफ ऑन लैंड अगर यूज कर लिया, तो लाइफ बिलो वाटर इसी से यूज होगा। आ जाइए लाइफ ऑन लैंड, अगर जो है लाइफ ऑन लैंड आर्टिकल, यू नो गोल नंबर 13 एंड 14 एक बार देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 13 एंड 14 आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब यहाँ पे एक तरफ से जमीन के ऊपर आपके ऊपर टिड्डों का आतंक छाया हुआ है और जमीन के अंदर आपके पास इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, आपको जमीन के ऊपर आप एक ऐसा लैंड बनाएंगे, एक मिनट दीजिए भैया, एक लैंड बनाएंगे जमीन के ऊपर, यहाँ पे लोकस्ट रखिए और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे मोलस्क रखेंगे। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ ऑन लैंड लोल लाइफ बिलो वाटर, समझ में आया? 13-14, थैंक यू सो मच जनाब खान। आप एक बार इस पे चढ़ के ट्यूबलाइट लगा दीजिए, ठीक है? सो गाइस, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चलिए इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं, अलग अलग हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल स्टडी एवरीथिंग इन वन शॉट। In many areas, okay. Guys, थोड़ा सा maintenance work चल रहा है, तो kindly थोड़ा सा disturbance होगा. In many areas, these invasive species have smaller beds of short neck clam. According to paper authored by Biju Kumar, और ये इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब ये clam छोटे छोटे जो species है उनको भी खत्म कर दिया है, क्योंकि ये क्या करेंगे, उनके हिस्से का खाना जो है वो छीन लेंगे। अस्थाई मुडी लेक, Charu mussel has established the breeding population in 2018-19, acquiring a moniker Viranthar Kakka, alien mollusk. मतलब इसने इतने अस्थाई मुडी लेक को आप नाम रख लीजिए, ये रामसार साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अस्थाई मुडी लेक में सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ है इस मोलक का, जिसका नाम, इस मोलस्क का जिसका नाम लिखा है वरथन कक्का, मतलब एलियन मोलस्क। The short net clam fisheries in the lake had obtained an eco label from the Marine Stewardship Council and about 3,000 people are dependent on fisheries here. In such a scenario, the fast breeding charu mussel could be seen as a pest, the author state. Ab short neck clam matlab ek machli ki prajati hai. Ek machli ki prajati jo hai ye puri ki puri wipe out hone ke kagar pe hai because of this Varathan Kakka. ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई बहुत ही बदमाश भाई है जो आपके चीजों को डिस्टर्ब करता है, आपके हिस्से का बिस्किट खा जाता है, टॉफी छीन लेता है, तो उसका नाम रख लीजिएगा वराथन कक्का। क्या रखेंगे? उसका नाम रखेंगे वराथन कक्का, ताकि आपको ये एलियन मोलस्क याद रहेगा और इस कीवर्ड के चलते आपको सारी चीजें याद रहेंगी। उसके अलावा शॉर्ट नेट क्लैम फिशरीज जो है वो आपका मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल ने एक इको लेवल इसको दिया है। मरीन स्टीवर्डशिप, जैसे आपने ब्लू बीचेस के बारे में सुना होगा, ब्लू बीच सर्टिफिकेशन, ब्लू बीच, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अब आपको इसमें और किसी चीज से क्या आपको इंटीग्रेट करनी है, आपको इंटीग्रेट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 प्लस 14 को इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस आपको रामसार साइट याद करना है, प्लस क्या याद करेंगे आप रामसार साइट के अलावा, आप ये भी याद करेंगे कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होता है, और एक लिस्ट तैयार करेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। उसके अलावा और क्या याद करेंगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13-14 हो गया, हाँ ब्लू फ्लैग बीचेस। उसके अलावा मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल के बारे में आप पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में कवर नहीं किया गया है। गाइस, समझ में आ रहा है इंटीग्रेटेड स्टडी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड स्टडी का मतलब आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको क्लैम दिखा देता हूं, क्योंकि क्लैम इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाना जरूरी है। हाउ डज अ क्लैम लुक लाइक?
एक मुझे दीजिए, आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो, ताकि आपको रटना ना पड़े. दिस इज वॉट आई वॉन्ट. ये हो गया आपका क्लैम फिशरीज, दिस इज क्लैम. उसके बाद से मैं आपको और क्या दिखा, दिस इज क्लैम फिशरीज, आई होप यू कैन सी दिस. उसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है. ताकि आपको घर जाके रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एवरीथिंग हियर राइट नाउ राइट हियर. Just a minute, guys. मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें मैं दिखा के भेजू यहां से, ताकि आपको फिर से रट्टा ना मारना पड़े. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड दैट टू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. सो अब हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है. एंड सी हियर, चले अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे. ओके, सो हम फिर से चलेंगे. दिस इज हाउ जो क्लैम फिशरीज की मैं बात कर रहा था, दिस इज हाउ क्लैम लुक्स लाइक. जो क्लैम फिशरीज है दे लुक लाइक दिस. ये है आपका क्लैम फिशरीज, आप देख लीजिए. क्लैम मतलब ये इसी यही प्रजाति है, और जो आपने मोलस्क देखा है वो भी इसी तरीके से दिखता है, बट वो शेप में छोटा है. ठीक है, दिस इज क्लैम फिशरीज. मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल के बारे में आप पढ़ेंगे. उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देख लीजिए आप क्या 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 कवर करेंगे. यू विल कवर क्लाइमेट एक्शन ले लीजिए, लाइफ बिलो वाटर ले लीजिए, लाइफ ऑन लैंड ले लीजिए, उसके अलावा जीरो हंगर ले लीजिए, पॉवर्टी ले सकते हैं आप, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ले सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा पार्टनरशिप फॉर गोल्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री के प्रॉब्लम नहीं है. ये कंट्री जो है, वर्धन काका चारू मसल ने अस्थामुडी झील में अपनी जनसंख्या बढ़ा दी. रवि कुमार थैंक यू सो मच. जैनब खान, वर्धन काका लाइफ बिलो वाटर मोलस्क्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 एंड 14, 15 भी ले लीजिए. 15 ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए क्योंकि अगर ये क्लैम फिशरीज अगर इम्पैक्ट होगा तो जितने भी ये मछुआरे हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे. इनके पास रोजगार के साधन नहीं होंगे और इनका खतरा बढ़ जाएगा. ये भूखमरी के कगार पे आ सकते हैं. तो पॉवर्टी ले लीजिए, जीरो हंगर ले लीजिए, और अगर ये दोनों इम्पैक्ट होगा तो ये भी इम्पैक्ट होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहला क्या होगा, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ. इन पांचों को ले लीजिए. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन लोकस्ट स्वार्मिंग के रिगार्ड में यूज किया जा सकता है, सॉरी कोरोना वायरस एपिडेमिक के मैटर में यूज किया जा सकता है. प्लस पार्टनरशिप फॉर गोल्स. कोरोना वायरस एपिडेमिक ने वो सिचुएशन ला दिया कि कोई सिंगल कंट्री अपने आप में फुल फ्लेजेड नहीं है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. सो वी नीड पार्टनरशिप फॉर गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में. अगर हमारे पास एक प्रिडिक्टेबल वार्निंग है तो क्या हम उससे पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? क्या हम अफगानिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दैट दिस काइंड ऑफ इन्वेजन, दिस काइंड ऑफ अटैक इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर कंट्री? सो पीस पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर. मैंने यहाँ पे कोरोना वायरस को, लोकस्ट अटैक को और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को, तीनों को जोड़ दिया है और उसके ऊपर क्या किया है, ग्लोबल वार्मिंग का चादर उड़ा दिया है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का चादर मैं फिर से आपको दिखाता हूं. व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैंने एक छाता बनाया. क्या बनाया? छाता. मैंने एक छाता बनाया यहाँ पे. ये अम्ब्रेला टर्म है. इस अम्ब्रेला टर्म के अंडर में हमने क्या किया, इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर में हमने तीन चीजें ली हैं. पहली चीज क्या ली है, कोरोना.
दूसरा चीज हमने क्या लिया है, लोकस्ट। तीसरा चीज क्या लिया है हमने, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। यहां पे कोरोना ग्लोबल पैंडेमिक है, लोकस्ट भी डिजास्टर का एक रूप है और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ये भी एक डिजास्टर है जो फूड सिक्योरिटी को बहुत इंपैक्ट करने जा रहा है। और इसको हमने सबके किसके अंडर में डाल दिया है, इसको हमने डाल दिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो तो ये जो छाता है, ठीक है, इस ग्लोबल वार्मिंग के अंडर में ये जो अम्ब्रेला मैंने बनाया है वो अम्ब्रेला टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के अंडर में ये कोरोना पैंडेमिक भी आ जाएगा, लोकस्ट अटैक भी आ जाएगा जो कि डिजास्टर का हिस्सा है, और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का भी अटैक आ जाएगा जो कि डिजास्टर का रूप है। सो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है। गाइज इज दैट क्लियर, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज डू लेट मी नो। ज़ैनब खान थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया है। गाइज इज दैट क्लियर। देखिए न्यूज आर्टिकल बहुत छोटा सा है, बट वॉट आई वॉन्ट यू टू डू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ ब्रॉडर स्केल, ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसको बड़े एरियाज में समझने की जरूरत है। Guys, give me a thumbs up if you agree with me. Give me a thumbs down if you don't agree with me. But with an explanation. कि thumbs down दिया है तो क्यों दिया? Clear है? ठीक है, Zainab Khan, Roshni Parmar, Pooja, कुछ नए लोग हमारे ग्रुप में हैं. They are Devang Singh. Good morning, Devang. मुझे thumbs up दीजिए अगर आपने ये चीजें समझ में आई हैं. Kiran Suthar, अगर आपको ये समझ में आया है, please मुझे बताइए. Give me a thumbs up. Kishan Singh, thank you so much for joining us. Give me a thumbs up if you agree with me. आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझें और रट्टा न मारें। शिवानी पवार, have you understood this thing? Please do let me know. मानिक सदोत्रा, थैंक यू सो मच, आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा। नीलम कमल वंशी, पार्थ भद्रा, थैंक यू सो मच। तो हम इसको बड़े स्केल पे समझेंगे, क्योंकि एक एवरेज कैंडिडेट सिर्फ रट्टा मार के खुश हो जाएगा। But I don't want you to be an average candidate, क्योंकि आप मेरे क्लास में हैं। It is not a fault of the student. अगर एक student average है, तो it is not the fault of the student. It is the fault of the teacher, क्योंकि उसने उस student को extraordinary बनने के लिए chapter ही नहीं पढ़ाया। एक बार रामसार sites को भी देख लीजिएगा। अस्थाई मुडी lake जो है, वो केरला में है, वो रामसार site है, ठीक है? यहाँ पे location number one है, केरला में अस्थाई मुडी lake है। उसके अलावा और कौन-कौन से lake है यहाँ पे? आपको वेम्बनाथ cold wetland है, और उसके अलावा आपका सस्टमकोट्टा लेक केरला में है। तो केरला में आपके तीन लेक होंगे, केरला में तीन रामसार साइट्स होंगे, रामसार वेटलैंड्स होंगे। अस्थाई मुडी लेक है, सस्टमकोट्टा लेक है, वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड्स हैं जो केरला में पड़ेंगे 25-1 और 21। और ये जो है भारतीय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। हर एक स्टेट में देखिए, आप अपना एक ब्लैंक मैप ले लीजिएगा। गुजरात में अगर देखेंगे तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जिसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, वहां पे चल के देखेंगे, सो वी हैव वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा नाइन्थ पे है हमारा होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर। देन वी हैव 23rd सुरिनसार मानसार लेक जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है। उसके अलावा 4 और 24 देखते हैं क्या है। 4 जो है वो है आपका चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है, और 24वां जो है वो है आपका सोमोरिरी जम्मू एंड कश्मीर। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला चल रहा है, लद्दाख का मामला चल रहा है, लिपू लेक का मामला चल रहा है, तो ये चीजें याद करनी इजी हैं। अगर आप स्टेट वाइज याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो मैंने आपको तीन पढ़ा दिए। गुजरात में जो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, आपके केरला में है सस्टमकोट्टा है, वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड है, और अस्थाई मुरी है, ठीक है। लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सोमोरिरी है, और सोमोरिरी है, एंड दूसरा है चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास है। एंड आई एम श्योर, आगे देख लीजिए, द पोटेंशियल माइटेला स्ट्रिगाटिस टू आउट कम्पीट द लुक्रेटिव क्लैम फिशरीज इज अ सीरियस कंसर्न दैट अर्जेंटली नीड्स टू बी एड्रेस्ड। दो दिस स्मॉलर मसल इज एडिबल, द ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस एंड इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इज मच बिगर, इट इज पॉइंटेड आउट। In all probability, the mussel reach the Indian shores attached to ship pulls, hulls, or as larval forms in ballast water discharges. So, ये invasive alien species हमारे पास पहुँचे कैसे हैं?
ये या तो जहाजों के तलहटी में या फिर जो वाटर जो होता है ब्लास्ट में जो वाटर होता है उन सारे वाटर्स के थ्रू हमारे शोर्स पे पहुंचे हैं। इनका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और जो आसपास के रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा जमा लेते हैं। तो जहाँ के लोकल स्पीशीज हैं उनको खाने की कमी पड़ जाती है, उनके रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं और इस तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है यहाँ पे। सो ये इनवेसिबल एलियन स्पीशीज हैं। साइक्लोन ओखी मे हैव सिंपली स्पीडेड अप देयर इन्वेजन ऑन इनलैंड वाटर। सो इस तरीके से साइक्लोन ओखी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है इन लोगों को यहाँ तक ले आने के लिए। इन दिस सिनेरियो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चारू मसल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय लोकेटिंग द पाथवेज ऑफ इंट्रोडक्शन। सो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारे वेटलैंड्स में भी इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है या किसी और वाटर बॉडी में इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। सो ये रही आपकी न्यूज। आपको करना क्या है आगे चल के, आपको पढ़ना है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से याद करेंगे, इनवेसिव एलियन स्पीशीज याद करेंगे, उसके अलावा इनवेसिव एलियन स्पीशीज याद करेंगे, आप याद करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से सी वाटर आप रामसार साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, रामसार साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट वाइज लिस्ट तैयार करेंगे आप, स्टेट वाइज लिस्ट, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर आप बारी बारी से चीज़ों को तैयार करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। एक बार मैप उठाइए और उस मैप में जितनी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैप आपके सामने है तो आप ये मैप उठाइए और इस पर रट्टा मारना शुरू कीजिए। रट्टा कैसे शुरू होगा मैं बताता हूँ आपको। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये दो स्टेट्स थे पहले जिनको अभी भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से इनको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसी एरिया में उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड का उद्घाटन किया था और जो मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड है, और लिपुलेख के पास है। इस रोड के उद्घाटन के बाद से ये एरिया लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा इसी एरिया में जब हम लद्दाख में जाते हैं तो लद्दाख में पगोंगसो लेक है जो 60% चाइना में है और 40% इंडिया में है। इस एरिया को लेके भी बहुत डिस्प्यूट हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चांगपा ट्राइब रहता है जो पश्मीना गोट को पालता है और उनके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट है, ठीक है। लद्दाख में जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो ज्योग्राफी से, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से, क्लाइमेट से, यू नो वेटलैंड से रिलेटेड, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, मॉनेस्ट्रीज से रिलेटेड, ठीक है, कुशान अंपायर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, करंट अफेयर्स में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपका काराकोरम रेंज यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है वो यहाँ पे था, कालापानी टेरिटरी की बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक मैप को लेके आप उस मैप के ऊपर जितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड करना चाहते हैं करते रहिए, बिकॉज दैट इज द वे। उसके अलावा आपके पास रामसार साइट्स मैंने बता दिया है, वेटलैंड्स, ठीक है, इन सारी चीजों को स्टेट वाइज याद कर लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे अब आ जाइए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी ये एरिया जो है पूरी तरीके से चपेट में आया है, ये एरिया पूरी तरीके से चपेट में आया है। यहाँ पे साइक्लोन आम्फन लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज कर लीजिए, क्या इस साइक्लोन के चलते कोई इन्वेसिव एलियन स्पीशीज यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में एंटर किया है। तो इस तरीके से आपके पास एक बहुत बड़ा रेंज होगा। यस, एक पूजा परमार ने हिमालयन रेंज का इंट्रो वो ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप इंडस रिवर की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, वो सब कुछ याद कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग चीज़ों की प्रेपरेशन मत करें, आप बिखर के टूट जाएंगे। साल भर बाद एग्जामिनेशन देने पहुंचेंगे तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि जो मेरा साल बीता उसमें करा क्या है, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ज्योग्राफी का टीचर को इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नहीं पता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी नहीं पता है, और जिसको पता है उसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, उसको मैपिंग नहीं आती है, ही विल नॉट बी एबल टू क्रिएट इन इमेजिनेशन। और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना इमेजिनेशन क्रिएट करने की, बिकॉज इट्स योर एग्जामिनेशन, योर सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चले आगे, लॉक किया जाए इसको। अब हम चलेंगे, आपको बहुत कुछ शेयर कर दिया, हम राइट टू प्राइवेसी को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, हम एक आर्टिकल है जो माइग्रेशन से रिलेटेड है वो हम कवर करेंगे। द एको ऑफ माइग्रेंट फुटफॉल्स एंड द साइलेंस ऑन पॉलिसी, ये माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर ये आर्टिकल है। फर्स्ट गिव मी अ थम्स अप गाइस, मुझे थम्स अप चाहिए क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं।
आई जस्ट वॉन्ट टू नो डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट. रवि कुमार, आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अच्छा नहीं, इंडस चेनाब झेलम. गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू वंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू वंस. पूनम सोरेन, किरण सुतार, देवांग सिंह, श्रद्धा गुप्ता, पार्थ भद्रा, मानिक सदोत्रा. आपको ये चीजें समझ में आई? व्हाट डू आई मीन बाय इंटीग्रेटेड स्टडी? इंटीग्रेटेड स्टडी का मतलब क्या है? गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको इंटीग्रेटेड स्टडी क्यों करना है? यू हैव टू डू इंटीग्रेटेड स्टडीज क्योंकि ये ईजी है, आप ध्यान रख सकते हैं. अगर आपसे अभी मैं पूछ दूं आपसे अस्थाई मूडी लेक, वेम्बनाथ, कोल्ड वेटलैंड कहाँ पे है, ठीक है, या फिर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का क्या मतलब है, या फिर मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल क्या है, ये क्या चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको बहुत सी चीजें याद रहेंगी. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अकेले पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा. मैंने पूरा एक साल लगा दिया लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग याद नहीं कर पाया. सो गाइज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू, आई वॉन्ट यू टू स्टडी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. आप चलते हैं, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन मैं सिखाऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट से इंटीग्रेशन होगा इसका. लेबर्स की जो प्रॉब्लम है, लेबर्स का शॉर्टेज है, मुझे एक बात बताइए, लेबर्स के शॉर्टेज को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स को आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट को आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं? गाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर्स की जो प्रॉब्लम है, उनका हंगर है, उनकी जॉबलेसनेस है, उनके मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, उनका लैक ऑफ हेल्थ है, ये सारी चीजों को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब भारतीय संविधान का कौन कौन सा हिस्सा है जो इनके डिफेंस में यूज किया जा सकता है. और ये आपको बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं मैं, ताकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करके देखें. एग्जैक्टली, ओके गाइज थैंक यू. परमार पूजा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इकोनॉमिक जस्टिस. गाइज एनीवन एल्स? परमार पूजा ने आंसर दिया है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इकोनॉमिक जस्टिस. परमार पूजा, यू आर बिकमिंग अ सीरियस कैंडिडेट हियर. न्यू गाइज, देवांग, मानिक, श्रद्धा, सिद्धि ने, मानिक सदोत्रा, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट अबाउट प्रीएम्बल? क्या प्रीएम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात नहीं करते? डोंट वी टॉक अबाउट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल? हम प्रीएम्बल में हमने बोला है या नहीं बोला है? Haven't we said it? क्या हमने इन बातों को बोला है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात हमने बोली है प्रीएम्बल में. नीलम कमलवंशी, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21-19, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ओके ओके, प्रीएम्बल ऐड कीजिए इसमें DPSP, इकोनॉमिक जस्टिस, स्पेशली आर्टिकल 21. जैनब खान, लिबरल वर्कर्स डिग्निटी, बेसिक लॉज, DPSP, इक्वालिटी, हंगर, बेसिक राइट्स. जैनब, बहुत कुछ हॉचपॉच हो गया है, बहुत हॉचपॉच हो गया है. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वी विल टॉक अबाउट, हम यहां पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, और प्रीएम्बल की बात करेंगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. उसके अलावा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन कौन सा आर्टिकल इसमें ऐड करेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड व्हिच आर्टिकल, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन गोल्स का कौन कौन सा आर्टिकल ऐड करेंगे माइग्रेंट लेबरर्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन कौन सा गोल इसमें ऐड करेंगे माइग्रेंट पॉपुलेशन से, तो हमने क्या किया है, हमने फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने प्रीएम्बल, और उसके अलावा हमने बहुत से गोल्स ऐड किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन कौन सा गोल हमने ऐड किया है? गोल नंबर 1, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5. फिर से आपको लेकर चलता हूं, आई विल टेक इट, टेक यू थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको लेकर चलते हैं. चलिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज,
decent work and economic growth. आया मजा? 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, आंखें खोलिए, ओपन योर आईज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर, मैं फिर से इसको क्लीन कर देता हूं. चलिए फिर से लेके चलते हैं इसको. नो पॉवर्टी, वी विल टेक नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बहुत से लेबर लॉस चेंज किए गए हैं. देन यू हैव रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आप इसको भी ले सकते हैं. ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट इमीडिएटली लग जाएगा. अब मेरे कहने का मतलब यह है कि गोल नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 को हम लेके चलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. सो यहां पे 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 और 11. अब आपके पास से क्या हो गया? अब आपके पास है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, नो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल और सस्टेनेबल गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 लॉक किया जाए. आगे चले गाइस, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. इफ यू डोंट अग्री विद मी, गिव मी अ थम्स डाउन विद एक्सप्लेनेशन. लॉक किया जाए, चले आगे. ओके, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, ये इस तरीके से पढ़ने में थोड़ा सा हैवी जरूर लगेगा, बट एक बार पढ़ा ना तो 6 महीने में जो आपको समझ में आएगा वो सिर्फ आप जानेंगे. Zainab Khan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, SDG, Preamble, DPSP, Justice, Liberty and Equality. बच्चे, Justice, Liberty and Equality वो आपका Preamble में ही आ जाएगा, ठीक है? So, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है. 2 मिनट का टाइम लूंगा, गला सूख गया है, थोड़ा सा पानी पी लूं, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन वंस अगेन. गिव मी 1 सेकेंड प्लीज. चलेगा तो नहीं ना लास्ट टाइम. हाँ, और सुनिए, लास्ट टाइम जो बाहर का पंखा है, बाहर का पंखा जैसे ही ऑन करेंगे कोई शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो पंखा उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? अगर जरूरत पड़े तो उसको उठा के लेके जाओ, आप बना के मुझे दे देना. अरे सर्विसिंग करवाया है मैंने लास्ट टाइम से, उसका सर्विसिंग करवाया है मैंने. देखिए आपने, अरे भैया सुनो, अच्छा सुनो, इन्वर्टर आपने देखा? इन्वर्टर लास्ट वाले रूम में रखा हुआ है. दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा अभी उसी पे चल रहा है, इन्वर्टर पे. वो अब जैसे ही ऑन कर रहा हूँ तो इन्वर्टर कट जा रहा है, और मेरा क्लास चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? 11 बजे उठ जाऊंगा मैं. Guys, I'm back. चलिए हम इस आर्टिकल को लेके चलते हैं. Let's talk about this article और जल्दी से फिनिश करेंगे. The echo of migrant footfalls and the silence on policy. There are 4 things that need to be done in the country in the wake of a pandemic crisis. 4 चीजें, 4 सजेशन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इन 4 सजेशन को लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रीएम्बल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम्स हैं. वन राशन वन नेशन का कार्ड आप ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधालय, हेल्थ वाला जो फैक्टर है वो ऐड कीजिएगा इसमें, फिर देखिएगा.
फिर आपसे पूछूंगा मैं कि आर यू स्टिल, डू यू स्टिल काउंट, कि यू आर एन एवरेज कैंडिडेट. इस तरीके से पढ़ के देखे. आई एम हियर टू ब्रेक द कन्वेंशन, आई एम हियर टू चेंज योर मेंटालिटी. UPSC is not a mother and father of examination. If you don't know how to tame the tiger, definitely you have to be worried. You will be afraid of tiger. So learn to tame the tiger and UPSC is that tiger. आगे चल के देखते हैं. ये हमारे representational image है. तो इसमें अब नाम मत पूछिएगा. इनका नाम क्या है? नहीं जानता मैं. When we hear the word migration, we think of Kerala and West Asia or the United States and the West. However, number of Indians who have migrated over the past decades to these geographies is minuscule compared to vastness of the movement within the country. A few years ago, I came across an estimate of 300 million for the scale of internal migration. Generally, jab hum mani sadutra, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana can also be added, absolutely. Ayushman Bharat, Manarega, One Nation, One, I mean, I love you guys. Aap log itne achhe hain. Mere paas abhi 20 student hain, lekin aap 20,000 ke barabar hain. आप एरावत हाथी की तरह, आप बब्बर शेर की तरह हैं. आप लोगों ने अभी जिस तरीके से मानिक सदोत्रा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक, आयुष्मान भारत, उसके अलावा पूजा परमार में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड ऐड किया है, दैट इज सुपर. टेक माय ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू. आप अपनी लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और ये सबसे खुशी की बात है. चलिए मुद्दे पे आते हैं. जब भी हम माइग्रेशन की बात सुनते हैं तो हमें हम माइग्रेशन के बारे में केरला की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, क्योंकि पूरे गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं वो केरला से जाते हैं. या फिर हम वेस्ट एशिया के बारे में सोचने लगते हैं, गल्फ कंट्रीज में तेल के कुओं, कल कारखानों में, सऊदी में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं. लेकिन आपको ये बात जान के ताजुब होगा कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं या यू नो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, केरला से जाने वाले नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड डॉक्टर्स, वो सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज है in comparison of those who migrate from one state to another state. Jo log, matlab agar percentage ki baat kare, to jo log hamare country se alag countries mein, gulf countries mein ya US ya alag countries mein jate hain job karne ke liye, wo sirf 10% hai. Lekin 300 million jo log hain India mein har saal travel karte hain ek country se, ek state se dusre state mein, to hamara jo interstate migration hai wo zyada bada hai aur zyada important hai. पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप माइग्रेंट बनके इंडिया से अलग कंट्रीज में जाते हैं, आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो आप बख्शीश पे नहीं जाते. यू स्टार्ट वर्किंग देयर. आप वहां काम करते हैं और उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं जो आप अपने घर भेजते हैं और आप अपने एक्सपेंसेस मीट करते हैं. तो यू आर नॉट अ लायबिलिटी ऑन द रिसोर्सेज. यू आर नॉट अ लायबिलिटी ऑन रिसोर्सेज. यू आर गोइंग टू वर्क देयर. यू आर सपोर्टिंग द इकोनॉमी. लेकिन अगर एक फुटलूज माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे है और उस स्टेट में ओवर सप्लाई ऑफ लेबर हो जाता है, देन वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो हमारे यहाँ पुल और पुश माइग्रेशन होते हैं. पुल माइग्रेशन इन द सेंस, आपके स्टेट में रोजगार की संभावनाएं कम है, आपके स्टेट में लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है, आपके स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, आपके स्टेट में हो सकता है कास्ट से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड परसिक्यूशन होते हो सकता है एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना हो और आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, इसके चलते आप अपने स्टेट से माइग्रेट करते हैं. आई एम फ्रॉम बिहार, आरा. वहां से मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया, मेरे पापा ने डिसीजन लिया, हम अपने बच्चों को बिहार से बाहर लेके चलेंगे और बाहर पढ़ाएंगे. सो दैट्स हाउ वी गॉट सेटल्ड इन उत्तर प्रदेश. हालांकि बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं रहा एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए, बट अगेन एक मम्मी पापा ये चाहते थे कि हमारा बच्चा यहाँ से बाहर चले. तो एजुकेशन भी एक कारण हो सकता है कि माइग्रेट करते हैं आप एक एरिया से दूसरे एरिया में. आप यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए दिल्ली क्यों आते हैं? क्यों नहीं आप अपने एरिया में ही कर लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो कॉज ऑफ माइग्रेशन है. आपके एरियाज में वो उतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया नहीं है. ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए अब आपको माइग्रेशन समझ में आ गया होगा. तो ये कहने का मतलब ये है कि जो हम समझते हैं कि गल्फ कंट्रीज में हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन जा रहा है, वो बहुत कम है. इन कंपेरिजन ऑफ अगर देखा जाए तो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है. This is nearly 3 times the official figures which are being cited now. The number of high because migration is also takes place within a state, not just between states or across international borders. The estimate for China is at time was similar. Across the world, every year people migrate for work, livelihoods, marriage, seeking refuge, business and even peace of mind. Jo picture bataye gaye hain 300 million, agar Indian government ka data dekhenge, they will call it only 100 million. और एक सबसे बड़ी बात है
कि इंटर स्टेट के अलावा इंट्रा स्टेट, एक स्टेट में ही एक सिटी से दूसरे सिटी में माइग्रेशन होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली काम करके आते हैं, या बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा काम करके आते हैं, गुड़गांव जाते हैं अपने ऑफिसेस के लिए। तो माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में नहीं, एक विद इन स्टेट भी होता है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। हर साल लोग माइग्रेट करते हैं, किस लिए? काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, शादी के सिलसिले में, आप कहीं से भागना चाहते हैं, ठीक है, मूवी आई थी लवली भाग जाएगी, ठीक है, सीकिंग रिफ्यूज, आप भागना चाहते हैं, कुछ चीजों से बचना चाहते हैं, बिजनेस के लिए, और कई बार पीस ऑफ माइंड के लिए भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ द नंबर इज ग्रोइंग। लास्ट दिसंबर इकोनॉमिस्ट प्रोवाइडेड फिगर्स बेस्ड ऑन 2011 नेशनल सेंसस showing that number of internal migrants has grown by another 100 million, or that a third of India's population, one in every three Indians are migrant. The Economist ke report ke according jo hai, India mein internal migration ka jo size hai, wo takriban 100 millions ke barabar hai, aur ek mein se teen Bharatiya jo hai, wo migrant hai. The figures are even more daunting when one realizes that many of them are from the poorest state of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha. Although Rajasthan, Andhra Pradesh and Telangana send substantial number, while there are a smaller group in the northeast. Northeast se aane wale logon ki sankhya kam hai, but sabse zyada jo migrants